नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। भूख से मरते पाकिस्तान में कुछ लोग बड़े ही रंगीन मिजाज के हैं, कितने मदहोश हैं इसे भी देख लीजिए। उन्हें ना तो अपने पद की पड़ी है और ना ही अपने इज्जत की। मेट्रो और जेट की इज्जत उतारने के बाद एक और वीडियो आपके सामने पेश है, तो चलिए पाकिस्तान की इज्जत उतारने वाले इस मुजरे को भी देख लेते हैं जो ट्विटर पर वायरल हो रही है। ये वीडियो है बैंक का, जहां एक बैंक मैनेजर ने अपनी बेशर्मी सबके सामने पेश की। मैनेजर का यह ठरकपन और बेहयाई सीसीटीवी कैमरे ने देख लिया और फिर इसे दुनिया को भी दिखा दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बैंक मैनेजर के अंदर की हवस हिलोरे मार रही है और अपने सहकर्मी के निजी अंगों को छू नहीं बल्कि बड़ी बेदर्दी से दबा रहा है। जो मैनेजर अपने ही कलीग्स की इज्जत ना करे वो किस मानसिकता का होगा, आप सोच लीजिए। एक तरफ तो कट्टरपंथी ये कहते हैं कि दूसरी लड़कियों को हाथ लगाना गुनाह है, और बैंक में जिस तरह से इस मैनेजर ने जाहिलों वाली हरकत की है उसके हिसाब से तो इसके हाथ काट देने चाहिए थे। तालिबानी शिक्षा तो यही कहती है, जब कार्टून के ऊपर गला काटा जा सकता है तो फिर महिलाओं की बेइज्जती करने वाले इस बैंक मैनेजर के साथ क्या किया जाना चाहिए। वैसे जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती वहाँ के अधिकारियों से आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। जहाँ महिलाओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है वहाँ महिलाओं की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यही वजह है कि शायद उस महिला ने भी डर के कारण कोई रिएक्शन नहीं दिया। वैसे वीडियो जब ट्विटर पर वायरल हुआ तो उस्मान गोहर को गिरफ्तार करने की मांग भी उठी। फैसल बैंक के इस मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। बैंक ने भी स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हम इस तरह की हरकतों को स्वीकार नहीं करते। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ।